अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रीन टेक सोलर पाकिस्तान फॉरवर्ड। एक डिबेट चल रही है टीवी पे और उसमें हमारे जो टॉप मैन्युफैक्चरर्स हैं, टॉप कंपनीज के सीईओज हैं, डायरेक्टर्स हैं, वो उस डिस्कशन के उस डिस्कशन में पार्टिसिपेंट्स हैं। और वो ये बात करते हैं कि यार बच्चों को यहाँ से मुल्क छोड़ के बाहर नहीं जाना चाहिए, बिजली हमें सस्ती मिलनी चाहिए, डॉलर को ऊपर नहीं जाना चाहिए, डॉलर को नीचे लेके आना चाहिए, बिजली हमें और सस्ती मिल जानी चाहिए, पॉलिसीज़ की स्टेटमेंट पॉलिसीज़ जो है वो बननी चाहिए, रुकनी नहीं चाहिए, टैक्स कलेक्शन FBR नहीं कर रही। जो बंदा अपनी फील्ड में है उसको सिर्फ अपने से गर्ज है। अगर आप उस डिबेट को भी देखें तो आप ये नतीजा अखज़ करेंगे कि उसको सिर्फ अपनी इंडस्ट्री से मसला है, बस कि उसमें जो मसले हैं वो सॉल्व कर दो, आई डोंट केयर कि बाकी पाकिस्तान क्या कर रहा है। अगर आप टॉप कंपनीज जो पाकिस्तान में हैं उनका उनके स्टैट्स निकालें पिछले 2-3 सालों के, तो जितना प्रॉफिट इन टॉप कंपनीज ने किया है उतना छोटा तो बेचारा मर गया ना, वो तो बेचारा वो 0-0 पे चल रहा है या बेचारा उससे भी नीचे जा रहा है, लॉस पे जा रहा है। बट जो टॉप जाइंट्स हैं इस मुल्क के, उनके आप प्रॉफिट मार्जिन तो देखें, आप PSX में तो देखें हो क्या रहा है, वो मार्जिनस किस तरह बना रहे हैं। और TV पे आके बयानियाँ ये है कि यार हम डूब जाएंगे, ये हमारा लास्ट चांस है इस मुल्क का, बच ही नहीं पाएंगे, हम मर जाएंगे, हमारा बिजनेस मर जाएगा, और ये क्या बयानियाँ क्या आई है। अच्छा, ये वही सारी कहानी है कि जो आपने देखा है कि फार्मर के साथ हुआ है अभी करंटली, और फार्मर ने जब अपनी किसान ने जब अपनी गंदम उगा ली है तो अब किसान के साथ क्या हो रहा है, अब उसके रेट नहीं लग रहे, अब उसकी गंदम स्टेट ही नहीं खरीद रही, तो रेट क्या नहीं लग रहे। गवर्नमेंट ही तो सबसे बड़ी उसकी एक परचेजर थी ना, एक सपोर्ट प्राइस तो उसी ने रखनी थी ना, तो उसने रखी नहीं प्राइस, पता नहीं वो क्या सोती रह गई। नहीं, और वो सोती रह नहीं गई, एक हफ्ते से आधा से तो टीवी पे आ रही है बात, तो अगर एक बंदा सोया हुआ तो वो तो जाग चुका होता है ना, वो ला ही नहीं रहे प्राइस, वो लाने के मूड में ही नहीं है। तो वो जिस बेचारे ने 6 महीने लगा के एक वीट उगा ली, आज वो लेके घूम रहा है मेरा कुछ कर लो, वो फंस गया ना, वो बेचारा फंस गया, उसका हाथ हो गया। उसकी गलती ये थी कि उसने वीट उगाई, उसकी और कोई गलती नहीं थी, उसकी गलती ये नहीं थी कि इस दफा ये हुकूमत है, पिछली दफा वो हुकूमत थी, अगली दफा वो हुकूमत आएगी और उसके बाद वो आ जाएगी और वो सब ठीक हो जाएगा, ये उसकी गलती नहीं थी। उसकी गलती ये थी कि उसने कुछ किया और उसने गंदम उगा ली, ये उसकी गलती थी। अब वो गलती का खमियाजा जो है वो भुगत रहा है। अब वो एहतजाज करके अपना रेट पहले तो जारी करवाए और फिर उनको बेचे क्योंकि उसने गलती कर ली, गलती उसने कर ली उगा के उसको नहीं उगानी चाहिए थी असल में, उसका हल ये था, उसके अलावा कोई हल नहीं था उसके पास। इसी तरह अब ये तो हो गया बेचारे किसान की बात, या उस हर उस प्लेयर की बात है इस इकॉनमी में या इस मुल्क में कि जिसको आसानी से आप दबा सकते हैं। इसी तरह एक एंड यूज़र आ जाता है हमारा, एक कंज्यूमर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आ जाता है, जो रेजिडेंशियल कंज्यूमर होता है। आप पिछले 3 दिन से देखें क्या हाइप चल रही है, क्या खबरें चल रही हैं, रेजिडेंशियल सोलर कंज्यूमर के ऊपर 2,000 रुपये किलोवाट टैक्स लगने की बात चल रही है, मंजूरी दी पेश हो रही है, पावर डिवीजन ने पता नहीं क्या कुछ पेश कर दिया है और प्राइम मिनिस्टर के पास भेजा जा रहा है। रेजिडेंशियल और कमर्शियल यूज़र के ऊपर टैक्स लगने की सोच रहे हैं, आप निकालने कितना डेटा है, कितने रेजिडेंशियल कंज्यूमर हैं, कितने उनमें से नेट मीटरिंग इनेबल करके बैठे हुए हैं। नेट मीटरिंग तो आपकी गांव देहात में तो हो ही नहीं पाती, वहाँ तो 3 फेज की लाइन ही स्टेबल नहीं है, बड़े शहरों में हो रही है। उसके बाद बड़े शहरों में भी बहुत सारे सिस्टम्स हैं जो ऑफ ग्रिड लगे हुए हैं, सारे ऑन ग्रिड तो हैं भी नहीं। उसके बाद उन सिस्टम्स की अगर आप नंबर निकालेंगे, कितने लोगों ने आपके सोलर सिस्टम नेट मीटरिंग इनेबल लगवाए हुए हैं और उसकी वजह से कितना टैक्स का बर्डन बढ़ रहा है आपकी ग्रिड के ऊपर, तो वो डेटा भी निकाल लें। तो सारा का सारा जोर आखिर में निकला सोलर कंज्यूमर के ऊपर कि जिसने नेट मीटरिंग इनेबल करवाई भी है, उसकी सबको इतनी परेशानी लाहक हो गई है कि उसकी वजह से ग्रिड पे 1.90 रुपये का पर यूनिट बोझ पड़ गया है, तो वो हम कंज्यूमर को कैसे पास ऑन करें। वो जो बेचारा गरीब कंज्यूमर है उसको अमीर कंज्यूमर लूट रहा है 1.90 रुपये का बोझ डाल के, तो सबको फिक्रमंदी लाहक हो गई है और परेशानी थरथली मच गई है कि 1.90 रुपये का बोझ गरीब कस्टमर के ऊपर अमीर कस्टमर की तरफ से कैसे डाला जा रहा है, हमें इसका हल निकालना है, हमें इसको सॉल्व करना है। वो जो 40% लाइन लॉसेज हैं वो अमेरिका ने लॉस क्रिएट की है, जो बोझ आपकी नाअहली की वजह से उस गरीब कंज्यूमर के ऊपर डल रहा है और अमीर कंज्यूमर के ऊपर अलाइक डल रहा है, सिर्फ एक के ऊपर तो नहीं डाल रहा, ना अहली की वजह से, ट्रांसमिशन लॉसेस की वजह से, चोरी की वजह से, थेफ्ट हो गया, जो फ्री में आप बिजली दे देते हैं पैसे रिकवर नहीं करते, बहुत सारे लोग आपसे हथिया लेते हैं बिजली, बहुत सारों को आप बिजली एज फेवर इन रिटर्न दे देते हैं कि आप उनसे फेवर ले लेते हैं, वो जो सारे मामलात करते हैं उसकी वजह से जो गरीब पिसता है और उसकी रिकवरी के चक्कर में आप ओवर बिलिंग करते हैं। अभी ओवर बिलिंग की रिपोर्ट जो आई है, कितने मतलब माइंड ब्लोइंग रिपोर्ट है वो, रिपोर्ट तो किसी अखबार में शाया हुई है बट
आप उसके लेवल्स को भी छोड़ दें कि आप बोलें उन्होंने जी एग्जैजरेट कर दिया होगा, बट ओवर बिलिंग क्या नहीं होती? वो जो अभी फेस्को के गैपको में केस हुआ है, कितने 19-20 ऑफिसर पकड़ के लिए, और वो 20 ऑफिसर में से 19 ऑफिसर छुट के बाहर आ गए, वो छुट के बाहर भी आपको पता है वो ऑफिसर पकड़े और वो ऑफिसर उठ के बाहर आ गए, तो फायदा क्या, उनको सारों को बेल मिल गई, तो वो सारे रोड पे वो जो पैसे जेब में डाल रहे थे वो गरीबों में नहीं लग रहा था। हमें उन 20 ऑफिसरों से कोई मसला नहीं है, बट हमें तो ये जो सबको एक परेशानी लाहक हो जाती है कि नेट मीटरिंग का जो प्रोड्यूसर है यूजर है वो सबसे बड़ा बोझ बना हुआ इस ग्रिड के ऊपर, ये तो कोई बात ही नहीं है, ये तो गलत बात है, इस बात में तो कोई सदाकत ही नहीं है। नेट मीटरिंग का कंज्यूमर 1.90 रुपए का आप स्टैट निकाल के बैठ गए कि उसने बोझ डाला है, तो जो ट्रांसमिशन लॉसेस का बोझ है वो, जो सर्कुलर डेट का बोझ है वो, जो IPPs के साथ अग्रीमेंट किया हुआ है उसका बोझ है वो, फ्री बिजली का बोझ है वो, और उसके साथ जो आपने 10 मसाइल अपनी नाअहली की वजह से क्रिएट करे हुए हैं, जो महंगी बिजली आप कोल से बना लेते हैं या किसी भी और सोर्स से बना लेते हैं, अगर फर्नेस ऑयल से बना लेते हैं, सस्ती बिजली अगर आप बना सकते हैं नहीं बनाते, तो उसका बोझ किस पे जाता है? उस पे किसी को फर्क नहीं पड़ता, उस पे कोई बैठ के मीटिंग नहीं होती और पावर डिवीजन समरी नहीं भेजती और उसका कोई हल नहीं निकलता, तो उस पे तो कोई बोझ नहीं है किसी का, उस पे तो कोई वर्किंग नहीं है, बस सारी वर्किंग इस पे है कि नेट मीटरिंग कंज्यूमर तो अमीरों का खेल है, तो इसलिए जी हम उसको बंद कर देते हैं। बंद तो किसी ने नहीं किया, बंद अभी तक तो किसी ने नहीं किया, पहली बात, अगर कर भी देंगे तो कर लें, किसके पाँव पे कुल्हाड़ी मारेंगे? किसी के पाँव पे कुल्हाड़ी तो नहीं मरेगी ना। वो जिसने नेट मीटरिंग करके बिल जीरो किया था वो कोई और सोल्यूशन निकाल लेगा, सोल्यूशन तो मौजूद है ना। आज से 15-20 साल पहले तो आप बोले ना वो कंज्यूमर बिजली कैसे बनाता, अभी वो ऑनग्रिड सिस्टम लगा के नेट मीटरिंग करके बिल जीरो कर रहा है, आप उसको वहाँ फंसाएंगे जाके? कोई मसला नहीं है, वो कोई और सोल्यूशन निकाल लेगा, वो बैटरीज का सोल्यूशन निकाल लेगा, वो विंड को इनेबल कर लेगा बीच में, वो एनर्जी स्टोरेज को बीच में ले आएगा, तो सोल्यूशन तो मौजूद है। ऐसा तो नहीं है कि आप उसको बोलेंगे कि भाई तुम रिसोर्सफुल ज़्यादा हो तुम्हें हम फंसा देंगे यहाँ ला के, सोल्यूशन मौजूद है, वो सोल्यूशन शिफ्ट कर लेगा। ठीक है, वो आज ग्रिड को यूज़ कर रहा है, कल को ग्रिड को यूज़ करना छोड़ देगा, फिर आप क्या बोलेंगे कि जिसने ऑफ ग्रिड सिस्टम लगाया है हम उसको भी टैक्स करेंगे? तो बेवकूफ़ों वाली पॉलिसी हो जाएगी ना। जितना मर्जी आपने गलत ट्रैक पर चलना है आप चल सकते हैं, एक बंदा अच्छा सोल्यूशन लाया है, आप कह सकते हैं भाई नेट मीटरिंग का रेट बहुत ज़्यादा है, इसको हम 1-1 रुपया कम करना चाह रहे हैं और हम 12 रुपये पर लाना चाह रहे हैं, समझ आती है, ग्रेजुअली लाएँ। ड्रास्टिकली 24 रुपये से आप बोले हम एकदम से 11 रुपये पर ले आएँ, भाई क्यों आप इतना एहसान कर रहे हैं 11 रुपये का, आप इसको 0 रुपीस कर दें ना, एहसान करें 11 रुपये दे के किसी को, आप बोले नहीं देते हम, बस कहानी खत्म हो जाए, चले ना ये तो लोग हो जाए अलाइन, लोग बोले ग्रेडी बेकार है हमने क्यों इसको बेच रहे हैं, हम वही सोल्यूशन लगवाएं जो हमारा 20 साल चले, तो ये तो एहसान करने वाली बात है कि भाई हम 24 से 11 पे ला रहे हैं, आप ना लाएँ 11 पे, आप 0 कर दें, या आप दें या आप ना दें, ये क्या बात है, हम 11 रुपये कर देंगे और फिर 11 रुपये के बाद हर रोज़ उठ जाएंगे कि अब इस पर ये वाला टैक्स भी लगाना है, ये वाला फिक्स टैक्स भी लगाएंगे, मंथली टैक्स भी लगाएंगे, ऐसे तो नहीं चलता ना, ऐसे नहीं चलता, मतलब ऐसे प्रोडक्टिविटी नहीं आती। अच्छा चले आगे आए उस डिबेट के बारे में भी बात कर लें, बीच में पूरा एक चैप्टर ही खुल गया है जो पुराना फंसा हुआ था। अच्छा चलें देखें उसमें, देखें जो भी हजरत हैं, अभी हमने 6 महीने पहले भी एक वीडियो बनाई थी, 6 महीने पहले भी एक डिबेट हुई थी, इकोनॉमी पे डिबेट हुई थी, उसी टीवी चैनल पे हुई थी और उसी प्लेटफॉर्म पे हुई थी, और उसमें भी वही सीईओज आए थे, इस दफा थोड़े से डिफरेंट सीईओज थे, सारे वो नहीं थे, तो वो सारे बैठे बातें वही कर रहे थे, वही बातें हो रही थी, पिछली दफा बातें ये हुई थी कि रिन्यूएबल्स तो इज नॉट द वे फॉरवर्ड, रिन्यूएबल्स में तो कैपेसिटी ही नहीं है कि वो आपकी बिजली पूरी कर सकें, ये 6 महीने पहले की खबरें थी, फैक्ट्रियां चला सकें, फैक्ट्री तो डिस्कशन का पॉइंट इसलिए है क्योंकि ये आपकी टॉप कंपनी के सीईओज हैं, इनसे ऊपर तो इस मुल्क में नहीं है ना, इन्हीं की तो टॉप कंपनीज हैं जिनके वो सीईओज हैं या डायरेक्टर्स हैं, अगर उनका माइंडसेट ये है तो फिर कैसे चलेगी बात? फैक्ट्री के कि देखें चौकीदार ने तो नहीं बैठ के सोच रहा है ना कि यार यहाँ जरा एनर्जी का शिफ्ट लाते हैं, सीईओ नहीं बैठ के सोच रहा है ना, और उसके अंडर जो उसका एनर्जी का मैनेजर्स हैं, तो अगर फाइनल डिसीजन तो इन्हीं का होना है ना, डिसीजन तो इन्हीं का होना है, इनका भी एक हिस्सा तो होना है ना उस पूरे एफर्ट में, उस पूरी डिस्कशन में, उस पूरी ड्राइव में कि हमने शिफ्ट लाना है, एक हिस्सा होगा और इम्पोर्टेंट हिस्सा होगा, तो माइंडसेट ये है कि नहीं रिन्यूएबल्स तो उनमें कैपेसिटी ही नहीं है, वही वाली बात हो गई कि अगर आम बंदा ये बात करे तो चलो समझ आती है, उस बेचारे का इंटरेक्शन नहीं है, ये इन्होंने इस तरह की बात कर दी, यार 2 प्लेटों पे एसी चल जाएगा मेरा, ये वो वाली बात हो गई, यार 2 प्लेटों पे पूरा 24 घंटे में अपना फ्रिज चला लूंगा, यार ये बेकार है यार, ये 2 प्लेटें, यार ये 2 प्लेटों में जान नहीं है, ये मेरा एसी चला नहीं पाएंगे, यार ये 10 प्लेटें ऊपर लगी हुई है, ये मेरा कैसे एसी चलाएंगे, या यार मैं 10 किलोवाट का एक सिस्टम लगा रहा हूँ, फैक्ट्री में मेरी मशीन लगी है, उसका लोड कैसे बर्दाश्त करेगी, ये वो वाली बात हो गई, अपनी कंपनी के सीईओ हैं, कैसी बातें कर रहे हैं, इसका मतलब है आपको एनर्जी के बारे में कुछ भी नहीं पता, या आपको जो अच्छा देखिए एनर्जी अगर के बारे में कुछ नहीं पता, कोई मसला नहीं है, आप एक डिबेट में आए हैं और आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बयान कर रहे हैं ना,
आप एक स्टेटेड पॉइंट ऑफ व्यू है जो आपको हम उम्मीद करते हैं कि आप रिसर्च करके आए होंगे, कुछ तो बैकग्राउंड लेके आए होंगे ना कि एनर्जी सिस्टम कैसे चलते हैं और करंटली एनर्जी सिस्टम्स में क्या अवेलेबल है। बाकी ऑफ कोर्स हम नहीं सब हम समझते हैं कि आप निटिग्रिटी में नहीं जा पाएंगे, आप डिटेल में आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं होगी क्योंकि वो आपकी फील्ड नहीं है, बट अगेन बेसिक्स एप्पल्स बनानास कुछ बेसिक्स तो होनी चाहिए ना, ABCDs तो होनी चाहिए। पर मेरा ख्याल है प्रॉब्लम ये है इस मुल्क का, जब टॉप ब्रास को समझ ही नहीं आ रहा कि एनर्जी चलती कैसे है, एनर्जी स्मार्ट ग्रिड्स किस तरह लग सकते हैं, आपको अपनी एनर्जी मिक्स में रिन्यूएबल्स को किस तरह मिक्स करना है, तभी तो ये हालात है कि वो लगे हुए हैं। जब टॉप कंपनीज आपकी सारी की सारी गैस पी जाएंगी खा जाएंगी तो गैस ही तो नहीं है आपके मुल्क में, उसी के लिए तो आपको डॉलर पकड़ने पड़ रहे हैं और आपको RLNG के कॉन्ट्रैक्ट्स करने पड़ रहे हैं ताकि उनके लिए लेके, और आप फंसे हुए कि नहीं मुझे यही चाहिए, तो फिर गरीब तो नहीं मुल डुबो रहा ना, फिर तो आप ही मुल डुबो रहे हैं और कौन डुबो रहा है। देखिए इतनी सी बात है, एक चीज़ फ्री में अवेलेबल है, उसकी टेक्नोलॉजी भी फ्री में, सनलाइट अवेलेबल है ना, और उसके साथ आपकी विंड अवेलेबल है, उसके साथ आपका पानी हाइडल अवेलेबल है, और रिन्यूएबल के अगर आप कोई और मैकेनिज्म निकाल सकते तो आप बोलें वो भी अवेलेबल है क्योंकि अवेलेबल तो हैं। अब आप बोलें नहीं ये नहीं चाहिए, हमें चाहिए गैस। गैस क्यों चाहिए? क्योंकि गैस का एक तरीक़ेकार फिक्स्ड है कि आप फर्टिलाइज़र बनाते हुए सब्सिडी ले लेते हैं। नहीं यार, उससे ज्यादा आप ये समझें कि मैंने मशीन लगाई भी है, मैं इसलिए नहीं, मैं अभी गैस ही चलाऊंगा और 20 साल। अब आप मुझे बताएं कराची की सब्सिडी को निकाल देते हैं बीच में से, आप बोले मेरे पास जी मशीन थोड़ी पुरानी वाली है, 2 लाख वाली मशीन है, मैं तो चेंज नहीं करूंगा, इसलिए मुझे तो गैस ही ला के दो, तो मुझे सब्सिडी मिल जाती है। कराची की कितनी टेक्सटाइल मिल्स है जो लकड़ियों पे चली गई हैं, बिल्कुल, वो छोटे प्राइवेट ओनर्स हजार हजार गज वाली है जो छोटे छोटी फैक्ट्रियां लगा के बैठे हैं 500-500 गज वाली, और वो अपने बॉयलर्स चेंज कर रहे हैं कि गैस हमारा बारा नहीं खा रही और हमें नए बॉयलर्स आने पड़ेंगे जिनको हम लकड़ियों से जलाएंगे। वुड फायर्ड, ये आप ये वुड फायर्ड पिज्जे की बात नहीं हो रही, जिसके टेस्ट में ज्यादा मजा होता है, वुड फायर्ड पिज्जे का टेस्ट ज्यादा अच्छा होता है, गैस वाले पिज्जे का मजा जरा कम होता है। गैस वाली लेकिन गैस का पिज्जा और वुड फायर्ड पिज्जे में फर्क होता है ना। अब यहाँ हमने बॉयलर चलाने इंडस्ट्री में आपने कितने टन आपने उड़ा देनी है गैस जला के, तो आप उसका जो कार्बन डाइऑक्साइड इमिशंस आप करेंगे और फिर आप उसके अगेंस्ट में आप लकड़ी जलाएंगे, जितनी पोल्यूशन आप क्रिएट करेंगे, पहले स्मॉग का मसला सॉल्व नहीं हो रहा, फिर ऊपर से आप कालक मचाएंगे, लकड़ियां दरख्त काट काट के लकड़ियां आपकी आएंगी, आगे जाने के बजाय तो पीछे को चल पड़े। और वजह उसकी क्या है, उसमें इंडस्ट्री वाला भी क्या करे, इंडस्ट्री वाला उसके पास उसको समझ ही नहीं आ रही, उसको भी ये बात समझ नहीं आ रही कि उसकी इंडस्ट्री भी इलेक्ट्रीफाई हो सकती है और रिन्यूएबल्स की बेस पे आ सकती है। ऑफ कोर्स उसके पास लिमिटेशंस है, उसका रूफटॉप साइज लिमिटेड है, एनर्जी डेंसिटी ज्यादा है, और उसके पास करंटली जो मशीनरी है वो वही वाला मसला है ना कि मशीनरी भाई मेरी तो पुराने जमाने की है, भी तो मशीनरी चेंज की ना, यही तो मैं कह रहा हूं, बट मशीनरी चेंज तो करी ना आपने, गैस की जगह आप लकड़ी वाला लगा, बेचारे को लकड़ी समझ आ गई, उन्होंने लकड़ी लगा ली लोगों ने, बिल्कुल उसके सोल्यूशन ही वो मिला ना उसको, उसने भी ज्यादा तगोदो नहीं करी, ज्यादा रिसर्च नहीं करी, उसको सोल्यूशन ही नहीं मिला, उसने बोला भाई लकड़ी वाला मिल रहा है वो लगा लेते हैं, लकड़ी तो सस्ती मिल जाएगी। तो अगेन तो मूल किस तरफ जा रहा है इन सारी हरकतों की वजह से, आप देखे तो कि हम कैसा रिवर्स गियर लगा हुआ है हमारा, हम आगे के, हम तो स्टैटिक भी नहीं रह पा रहे, हम तो रिवर्स की तरफ जा रहे हैं। देखिए मुल्क और उसके लोग अलग अलग तो नहीं होते ना, जो लोग उसके अंदर कर रहे हो मुल्क उसी को कहते हैं ना, मुल्क की एक्टिविटी अलग नहीं होती और लोगों की एक्टिविटी अलग नहीं होती। अगर मैं ज़्यादा लकड़ी जला के पोल्यूशन पैदा करूंगा तो वो इसी मुल्क में पोल्यूशन में इजाफा कर रही होगी, या मेरी पोल्यूशन अमेरिका में निकलती हो जाके और पाकिस्तान में उसका फर्क ना पड़ता, ऐसा नहीं होता। तो अगर गैस की जगह आप लकड़ियों पे जाना चाह रहे हैं हम सारे, तो कोई फर्क नहीं जाना पड़ता, जा नहीं रहे यार, मजबूरी की तरफ जा रहे हैं, मजबूरी की तरफ जा रहे हैं ऑफकोर्स। और उस नहीं, लेकिन उसकी ये वजह नहीं है कि सोल्यूशन ना हो, उधर भी लैकिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग है यार, दोनों तरफ है ना, देखें मार्केट में प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी लोगों को बताना, आपको याद है आप 2018 में चले जाएं, 17 में चले जाएं, जब आप सोलर बता रहे होते थे अगला कहता था जादू है यार बिजली नहीं बन सकती, आज इंडस्ट्री फंसी है, इंडस्ट्री को ये समझ आ गई कि चलो मैं बिजली तो बना सकता हूँ पर मैं इसको हीटिंग के लिए यूज नहीं कर सकता, अभी वो समझ नहीं आ रही, थर्मल प्रोसेस के भी मैं यूज, मुझे उसके लिए कोल ही जलाना पड़ेगा, लकड़ी जलानी, गैस ही चाहिए, ऐसा नहीं है। आप अच्छा चलो ये तो हो गया ना छोटी इंडस्ट्री की बात, बट छोटी इंडस्ट्री का तो कोई मसला नहीं है ना, मसला तो ये बड़ों का है कि ये जो टॉप सीईओज आके बैठ के बोलते हैं कि सस्टेनेबल ही नहीं है, उससे आपको माइंडसेट पता चलता है कि अगर उसका ये हाल है तो फिर नीचे तो पे तो कोई डिस्कशन ही नहीं बनती, बनती नहीं है ना, इनका क्या कसूर है यार, अगर वो आठ बैठे इतना एक्सपोजर लेके और इतनी कंपनी का हेड बन के डायरेक्टर है, कोई कोई सीईओ है, कोई क्या है, उससे ऊपर है ही कुछ नहीं, और कंपनी भी टॉप 10 में आ जाएगी अपनी इंडस्ट्री की, कोई आईटी का टॉप 10, कोई टेक्सटाइल का टॉप 10, आईटी वाला तो अपने मसलों में फंसा हुआ है कि मेरे सारा जो बंदे ही भाग मेरे जाते बंदे भाग जाते हैं, और बंदे क्यों रुकेंगे,
जब आप पैसे देने की बारी आए तो आप वही बात है ना, जब यहाँ पे पैनल्स की बारी आए तो हम सारा मार्जिन खींच लें क्योंकि हम ही हैं जिनके कंट्रोल में सारा है, तो वहां भी वो यही करते हैं कि प्रोजेक्ट जब आता है तो बाहर से आपने डॉलर्स में प्रोजेक्ट मिलियंस ऑफ डॉलर्स का प्रोजेक्ट और 35,000 के बच्चे से करा ले और आप नहीं देंगे। अब यहाँ आपके ट्रेंड आप देख लें यही है, आप उस बेचारे को 35-40 हज़ार फ्रेश ग्रेजुएट वो निकले या फ्रेश ग्रेजुएट डॉक्टर निकले वो बेचारा भी 30-35 हज़ार में कमाएगा, उसको आईटी वाला भी 35,000 दे देगा, आईटी वाले को आप लाख रुपए देंगे तो वो तो बड़े एक्सपीरियंस बाद आप देते हैं ना, 1-2 लाख रुपए उससे ऊपर का देते हैं, 2 लाख रुपए पे तो आज कुछ भी किसी का भी गुजारा नहीं होने वाला, वो बेचारा पढ़ा लिखा है वो ये पढ़ के तो नहीं निकला था कि मैं 2 लाख पे आके फंस जाऊंगा खुद आप, और या तो आप बोले ना आप भी इसी मार्केट में सामान बेच रहे हैं तो फिर यहाँ की इतनी जान ही नहीं है भाई, करोड़ों में बिकता है तो मुझे लाख ही दे पाऊंगा ना, आप तो मिलियंस ऑफ डॉलर्स में बेच रहे हैं अपना प्रोडक्ट और आप जहाँ बच्चों को दे रहे हैं तो और साथ में शिकवे भी कर रहे हैं कि यार बच्चा बाहर भाग रहा है, दूसरा वो बच्चा कभी भी नहीं भागेगा, उसको दो ना $5,000 बच्चा किधर जाएगा, नहीं दूसरी तरफ उस बच्चे को आता कुछ नहीं है, अच्छा अगर उसको आता कुछ नहीं है तो वो आपके प्रोजेक्ट में हिस्सा कैसे ले रहा है, ठीक है उसको नहीं आता होगा उतना नहीं आता होगा जितना एक्सपीरियंस बंदे को आता होगा, बट कुछ तो आता है ना, अगर बिल्कुल ही कुछ नहीं आता तो क्या सारी चीजें आप ही सिखा रहे हैं, आपके पास कहाँ टाइम है, इतने एक एक लाख बंदा हायरिंग में होता है आप थोड़ी कर सकते हैं, तो कुछ तो कर ही रहा होगा ना, मिलियंस ऑफ डॉलर्स के प्रोजेक्ट में कुछ हिस्सा तो वो भी डाल रहे हैं तो उसको कुछ इक्विवेलेंट इंसेंटिव दें ताकि वो रुके, बाकी ऑफ कोर्स फ्री कंट्री है उसका राइट है उसने जहां जाना है जहां उसको ज्यादा अपॉर्चुनिटी यार इंडिया भी इसी तरह ही लोगों को रोक रहा है कि वो सैलरीज अच्छी दे रहा है तभी कोई रोकता है, अगर आप बोले मैं सारा मार्जिन मैं ही खा जाऊंगा तो फिर तो कोई भी नहीं रुकेगा ना, तो इसमें गवर्नमेंट क्या करे, आप मुझे बताएं इसमें गवर्नमेंट क्या करे, इसमें गवर्नमेंट का आप आगे डिबेट में ये रोना धोना डाल रहे हैं कि यार बंदे जा रहे हैं यहाँ से, अपने आपके हालात देख लें, आप पैसे आपसे दिए नहीं जाते, सैलरी आपसे दी नहीं जाती, तो आपकी पॉलिसी मार्जिन सारे आपने खाने हैं, तो वही बात है जहाँ गवर्नमेंट की अपनी कोताहियां होंगी कि उसकी यूनिवर्सिटीज अच्छी नहीं है ये नहीं है वो नहीं है वो सब मैटर एक तरफ है, जब बच्चा आप ले आए अपने पास तो अब आप भी तो उसको सैलरी नहीं दे रहे ना, आप भी तो उसको इंसेंटिव नहीं दे रहे कि वो कुछ करके दिखाए और आपके पास बैठा रहे, तो फिर वो भी नहीं रुकेगा, फिर वो गवर्नमेंट की बातें एक तरफ चली गई, वो आपकी एम्प्लॉयमेंट में ही आप नहीं रोक पाए ना उसको, पुरानी ट्रेनिंग इंडस्ट्रियाँ यूनिवर्सिटीज़ वो तो बातें पीछे रह गई हैं, और बाकी हजरात भी जो डिबेट में मौजूद थे वो भी कोई इसी तरह की बातें कर रहे थे, तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं था, बट एट द एंड ऑफ द डे चक्कर ये है कि कंज्यूमर क्योंकि उसके कोई राइट उसकी कोई वॉइस नहीं है और कंज्यूमर की वॉइस तो कोई खास होती नहीं है, कंज्यूमर तो कंज्यूमर होता है उसका काम ही नहीं होता कि वो निकल के एहतजाज शुरू कर दे, कंज्यूमर ने अगर अखबार खोलना हो तो फिर कंज्यूमर तो ना रहना वो तो फिर मीडिया ग्रुप बन गया, तो मीडिया ग्रुप का अगर ये हाल है कि वो कंज्यूमर की बात क्या करेगा, उसको तो यही समझ नहीं आ रही कि जिनको बुला के बिठा लिया वो किस किस्म की बातें कर रहे हैं और वो डूम्सडे पिक्चर क्रिएट कर रहे हैं, ये आखिरी दिन रह गए हैं और आखिरी दिन क्यों रह गए हैं, क्योंकि हमारा प्रॉफिट थोड़ा ज्यादा होना चाहिए तो थोड़ा कम होगा, असल अभी भी प्रॉफिटेबल होंगे आप उनकी कुछ सीटें खोल ले जाके बेशक माइनस में तो कोई बस नहीं बस वो काफी टाइम हो गया है 3-4 साल हो गए हैं, इकॉनमी चल ही नहीं पा रही, इसलिए जी आप जरा थड़थली मचाओ मार्केट को और हिलाओ और कह दो आगे जी कुछ आखिरी दिन ही रह गए हैं बस टाइम बहुत कम है, तो ऐसे में एनर्जी का क्या और सबका जोर इस बात पे आगे निकलता है कि हाईलाइट होती है जी एनर्जी क्राइसिस आ गया है हमारे ऊपर, अब ये 2024 में सबको याद आया है कि एनर्जी क्राइसिस हमारे ऊपर आ गया है और एनर्जी क्राइसिस का सलूशन सबके पास क्या है, हमारी जो एनर्जी सोर्स है उस पर थोड़ी सब्सिडी दे दो, एलएनजी दे रहे हो तो उसको थोड़ा सस्ता कर दो, कुछ और दे रहे हो तो उसको सस्ता कर दो, सही कह रहे हैं सही कह रहे हैं, आप सर पकड़ के बैठ जाएं जिस बेचारे एक कमरे वाले का बिल 10,000 रुपए आ रहा है उस बेचारे को सब्सिडी दी नहीं जा रही, इनको सब्सिडियां दे दें तो उसके पैसे कहाँ से आएंगे, नहीं क्या बेवकूफ है क्या कि सब्सिडी देंगे सोल्यूशन निकाले, ये नहीं कह रहे कि यार हम अपनी बिजली खुद बनाते हैं हम रिन्यूएबल्स पे जाते हैं हम सब कुछ, अगर ये सारे टॉप बैठ के एक ही बात करते कि हमें रिन्यूएबल्स पे जाना पड़ेगा हमें एडवांस टेक्नोलॉजीज की तरफ जाना पड़ेगा, माइंडसेट बनता कोई गरीब इनकी बात ही सुन लेता उसके भी दिमाग में आता चाहिए ये कह रहा है मैं भी कर लेता हूँ, उसको भी यही पटियां पढ़ा रहे हैं कि सब्सिडी ले लो और खुद भी यही मांग रहे हैं सब्सिडियां ले लो, सबको प्राइम मिनिस्टर बिजली स्कीम चाहिए कि कहां से दे देगा वो, उसके पास कहां है पैसे, कहां दे देगा और उनके पास कहां है, अगर हो भी तो फिर भी क्यों दे, उससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होगा कि अगर वो स्कीम में पैसे लगा के क्यों देगा वो, आप अपनी अपना खर्चा खुद नहीं उठा सकते तो बंद कर दे फैक्ट्री किसके लिए चला रहे, आपसे तो अपना खर्चा ही नहीं उठ रहा, अब आप हालात तो देख लें अंडरस्टैंडिंग के हालात क्या हैं, तो ऐसे में एंड यूजर के पास एक ही सोल्यूशन है कि वो नेट मीटरिंग, लेकिन आप नेट मीटरिंग का रेट तो आपको मिल रहा है लेकिन आप नेट मीटरिंग से जितना दूर रह सकते हैं इन द लॉन्ग रन आपको दूर रहना चाहिए, मतलब टेंशन ना पालें रिलैक्स रहें, ठीक है अगर आप आज अवेल करना चाहते हैं तो आज एक फैसिलिटी तो है अवेल करें जितना आप बेच के बिल कम कर सकते हैं करें,
बट इन द लॉन्ग रन तो अपनी कंजम्पशन को ही स्ट्रीमलाइन करें, कंजम्पशन को कम करें, जितनी कंजम्पशन को रियल टाइम में रिन्यूएबल्स के थ्रू मीट करा सकते हैं, रियल टाइम का मतलब है कि डायरेक्टली यूज़ करा लें और फिर ग्रिड से कम खरीदा करें, वो कर लें। उसके बाद अगर सोलर बेस्ड बात कर रहे हैं तो नॉन सनलाइट आवर्स में, शाम के रात का जो टाइम है उसमें जितनी एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर करवा के यूज़ कर सकते हैं और उस टाइम पे कंजम्पशन भी और कम कर सकते हैं, वो कर लें ताकि आप ग्रिड से दूर रहें। बाकी ग्रिड से जितना जुड़े रहेंगे तो ग्रिड के हालात आपने देख लिए हैं, ग्रिड को संभालने वाले, ग्रिड को मैनेज करने वाले उनके हालात क्या हैं, तो उसमें फिर कोई आप लॉन्ग टर्म सुकून में नहीं रहेंगे। बाकी सोल्यूशन है, एक मौजूद है, उसकी फिजिबिलिटी है, उसके बिल भी आपको ज़ीरो हो जाता है। बहुत सारे लोगों ने कॉमेंट्स में लिखा है कि नेट मीटरिंग आज भी वायबल है, तो बिल्कुल है। आज जब 24 रुपये का रेट है तो 3-3.5 साल में आपकी ROI फिर भी निकल आती है ऑन ग्रिड सिस्टम की, कम में भी निकल आती है, कम में भी निकल आती है। बहुत अच्छा सिस्टम लगाएं, बहुत उसको एफिशिएंटली करके लगाएं, कॉस्ट को कम करके लगाएं, तो 2.5 साल में भी निकल आती है, तो ऑफकोर्स निकल आती है। बट हर रोज सुबह उठ के एक टेंशन भी तो लाहक होती है ना कि भाई पावर डिवीजन का ये एक नोटिफिकेशन ही ना भेज दे आगे। अच्छा, वो बहुत सारों का हमें आदत भी तो हो गई ना थोड़ी सनसनी की, थोड़ी न्यूज़ की, ताकि हम भी उस न्यूज़ देखें। अगर हम इस न्यूज़ से बाहर हो जाएंगे तो फिर वो हमें मज़ा भी नहीं आएगा ना, वो न्यूज़ तो हमारी की होगी नहीं, वो तो आप जैसों की न्यूज़ होगी। मैं तो आराम से बैठा हूँ अपग्रेड लगा के, तो मैं तो उससे आउट हो गया ना, तो मैं उस डिस्कशन से ही आउट हो गया, तो मैं बहुत लोनली फील करूंगा। सही बात, तो मैं हम सब एक जैसे लगने के लिए भी मैं जरा रहूंगा, और जिंदगी में एक एडवेंचर भी तो खत्म हो गया ना, तो होना चाहिए ना। खतरों में पड़ गए, एक ऑनरेड लगवाया था, अब वो रोज ऊपर नीचे होएगा, सोच के लगवाया था, आज वो सोच कटाई में ना पड़ जाए, 11 रुपए में कैलकुलेशन ना आ जाए, तो बस वो एडवेंचर और उसके एंटरटेनमेंट तो है ना, लगी हुई है वो पाकिस्तान में, क्या मसला है। जब तक हमारी पावर डिवीजन बहाल है तो एडवेंचर लगा रहेगा हमारा, खींच के रखें। दो दिन पहले नोटिफिकेशन आया, 12 घंटे बाद क्लैरिटी आ गई कि नहीं ऐसा कुछ पता नहीं, और उसके बाद फिर आ गई कि असल में ना वो 2 रुपए का मसला था, 2 रुपए जो है ना वो बोझ पड़ रहा था, बाकी तो चले खैर है। इतनी स्पेसिफिक बातें कैसे निकल आई अंदर से कि पावर डिवीजन ये सोच रही है, ये सोच रही है, ये सोच रही है, ये सोच रही है, और 12 घंटे कुछ भी नहीं सोच रही। 12 घंटे बाद हम ऐसा कुछ भी नहीं सोच रहे थे, तो पावर डिवीजन के बिहाफ पे कोई सोच रहा था ये बातें बैठ, हो सकता है बीच में कोई सोच रहा हो, पता नहीं क्या चक्कर है। खैर, वीडियो को रैपअप करते हैं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा शेयर करें, कॉमेंट से बताएं CEOs का क्या हाल है जो ऐसी बातें सोचते हैं, अच्छी बातें सोचते हैं। अच्छा, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हमारे ओवरसीज से भी देख रहे हैं, वो भी अपनी कंपनीज के टॉप ब्रास का बताएं उनका माइंडसेट कैसा है, स्पेशली रिन्यूएबल्स के ऊपर, और बाहर जो कंपनीज हैं वो क्या कर रही हैं अपनी कंपनीज को अडॉप्ट रिन्यूएबल्स को अडॉप्ट करने के लिए, ताकि उन्हीं से कुछ सीखें हम। बिल्कुल, आज के लिए इतना, थैंक यू।